इन दिनों दिल्ली से लेकर मुंबई तक श्रद्धा और आफताब के चर्चे हैं। आफताब जिस पर आरोप है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की न सिर्फ हत्या की बल्कि उसके बॉडी को 20 दिनों तक 35 टुकड़े करके फ्रीज में रखे, हर दिन एक एक पार्ट को मेहरौली और छतरपुर के जंगलों में फेंका। अब तक पुलिस को बॉडी के 13 से 14 पार्ट मिल चुके हैं, सबूत भी जुटाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस शातिर अपराधी आफताब के सच जानना चाहती है। लेकिन अपराधी इतना शातिर है कि सच बोलने को तैयार ही नहीं, इसलिए पुलिस अब त्रुथ ड्रग टेस्ट का इस्तेमाल कर रही है। तो सवाल यही कि त्रुथ ड्रग टेस्ट आखिर है क्या? जितना डरावना नाम है उतना ही डरावना टेस्ट। इस टेस्ट के तहत इंजेक्शन में एक तरह की साइको एक्टिव दवा मिलाई जाती है जिसे त्रुथ ड्रग्स भी कहते हैं। इसमें सोडियम पेंटोथल नाम का केमिकल होता है जो जैसे ही नसों में उतरता है शख्स कुछ मिनट के लिए लंबे समय के लिए बेहोशी में चला जाता है। ये डोज पर निर्भर करता है कि इसके बाद जागने के दौरान अर्ध बेहोशी की हालात में वो बिना किसी लाग लपेटे के सब सच बोलता है या फिर नहीं, इसलिए इसे त्रुथ ड्रग टेस्ट कहते हैं। अक्सर बेहद खौफनाक वारदात करने वालों का दिमाग भी उतना ही उलझा हुआ होता है। पुलिस के गिरफ्त में आ तो जाते हैं लेकिन दोष साबित करना पुलिस के लिए आसान नहीं होता। सबूतों की कमी के कारण कोर्ट के पास भी आरोपी को छोड़ने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसे में मुश्किल मामलों को सुलझाने में नार्को टेस्ट की मदद ली जाती है। इससे आरोपी को नसों में एक इंजेक्शन देते हैं जिसके असर में वो धड़ाधड़ सारे सच उगल देता है। ये सब कुछ आधी बेहोशी की हालात में होता है। आधी बेहोशी का मतलब होता है कि ना ही वो बेहोश है कि पूरी तरह से बेहोश है कि उसे ये ज्ञात ना हो कि उसके साथ क्या हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि वो पूरी होश में हो। लेकिन इस दवा के इस्तेमाल के लिए पुलिस कोर्ट में इजाजत लेती है। सीधे तौर पर पुलिस इस दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है कि इतनी आसानी से इस दवा के नाम को पढ़ा और सुना तो जाता है लेकिन ये इतना आसान नहीं है। असल में ये ड्रग्स बेहद ही खतरनाक है, जरा सी भी चूक हुई तो आदमी की जान जा सकती है या फिर वो कोमा में जा सकता है या जीवन भर के लिए अपाहिज हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कई मामलों में देखा गया है कि अमेरिकी जेलों में पूछताछ के दौरान ही कैदियों की मौत हो गई। इसके बाद से इस ड्रग्स पर सवाल उठने लगे। आखिरकार लगभग हर देश में नार्को टेस्ट पर रोक लग गई है। हाँ, किसी खास मामलों में अदालत अगर मंजूरी दे तभी ये किया जा सकता है। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद लंबे समय तक युद्ध बंदी रह चुके सैनिक जब वापस लौटे तो काफी हिंसक हो चुके थे, कईयों ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद यही ड्रग्स देकर उनसे सच जाना गया कि कैद में रहते हुए उन्होंने किस तरह की यंत्रणाएं झेली थी। क्योंकि एक बार सच जानने के बाद ऐसे सैनिकों का इलाज ज्यादा आसान हो जाता है कि उनके ऊपर कौन सा टॉर्चर किया गया था। और अंत में एक सवाल का जवाब दे दें कि आखिर सीधे तौर पर पुलिस नार्को एनालिसिस क्यों नहीं कर सकती, और क्या सीधे पुलिस नार्को एनालिसिस कर सकती है? तो जवाब है कि नहीं। चूंकि ये ड्रग्स से जुड़ा हुआ मामला है और जानलेवा भी हो सकता है, लिहाजा इस टेस्ट के दौरान पूरी टीम होती है जिसमें एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर होते हैं, मेडिसिन एक्सपर्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ पुलिस अधिकारी भी होते हैं। साथ ही नार्को के लिए इंजेक्शन देने से पहले आरोपी की मेडिकल जाँच होती है ताकि पता रहे कि वो किसी बड़ी बीमारी का शिकार तो नहीं। अगर इसे ऑर्गन से जुड़ी हुई मनोवैज्ञानिक या कैंसर जैसी कोई बीमारी है तो ये टेस्ट नहीं किया जा सकता। नाबालिग का भी नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता। श्रद्धा वालकर मर्डर केस में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को लेकर पुलिस उलझी हुई है। वारदात को इतने शातिर ढंग से अंजाम दिया गया है कि वो सबूत ही जुटा रही है। अब तक आरोपी हत्या की बात कबूल चुका है लेकिन कोर्ट में अगर पलट जाए तो केस डेड हो जाएगा, लिहाजा सच का पता लगाने के लिए नार्को टेस्ट का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने जिन 5 किरदारों से सबूत इकट्ठा किए हैं उससे भी आफताब का बचना आसान नहीं है, और अगर सजा मिलती है तो फांसी की सजा होगी ही होगी।
पुलिस के पास जो किरदार हैं वो किरदार नंबर एक हैं डॉक्टर अनिल कुमार। डॉक्टर अनिल ने आफताब की पहचान की। उन्होंने पुलिस को बताया कि उस रात आफताब उसके पास आया था और उसका इलाज किया था। किरदार नंबर दो में है रजत शुक्ला। रजत शुक्ला श्रद्धा का दोस्त है। रजत शुक्ला ने न्यूज एजेंसी को बताया कि श्रद्धा ने साल 2019 में बताया था कि वो 2018 से आफताब के साथ रिलेशनशिप में है। रजत ने कहा कि श्रद्धा की जिंदगी नरक बन गई थी। और किरदार नंबर तीन है लक्ष्मण नादिर। श्रद्धा के एक और दोस्त हैं लक्ष्मण नादिर, जिन्होंने बताया कि अगस्त के बाद श्रद्धा ने मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर दिया था, उसका फोन भी स्विच ऑफ था। और किरदार नंबर चार सुदीप सचदेवा। सुदीप सचदेवा उस दुकान का मालिक है जहां से आफताब ने आरी खरीदी थी। इसी आरी से श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए गए थे। किरदार नंबर पांच तिलक राज। श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े को रखने के लिए आफताब ने 300 लीटर का नया फ्रिज खरीदा था। ये फ्रिज तिलक राज की दुकान से ही खरीदा गया था। तो कुल मिलाकर ये सबूत पुलिस के पास हैं जिससे आफताब का बचना मुश्किल है, और अगर कोर्ट में पेशी होती है और सजा मिलती है तो उसे फांसी की सजा जरूर होगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।